जय माता दी दोस्तों, देखिए कैसी लग रही है ये वाली किचन। तो ये भी मैंने बनाकर ट्राई की थी, तो इसको भी इसे आप क्या दो जगह यूज़ कर सकते हो, दो तीन जगह। तो उसका एक यूज़ मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ले ली है लाल मोती, तो और इसके बाद लूँगी प्लास्टिक वायर और सुई। तो जैसे हम हर वीडियो में बनाते हैं, सबसे पहले चार मोती लेकर उसका जो पहला मोती है उसमें हम इसको डालेंगे, तो हमारा चार का एक सेट तैयार हो जाएगा। अपनी सुई को चारों मोतियों में से एक बार फिर से घुमा लें और हल्का सा टाइट करते जाएं ताकि वो थोड़ा टाइट बने। और बहुत आसान तरीका है ये बनाने का, बहुत सिंपल, कि कोई अगर पहली बार ही बनाएगा तब आसानी से बना लेगा। ये देखिए मैंने सुई अपनी घुमा ली है। अब हमारा जो मोती है इसमें हमें तीन और डालकर एक चार का सेट और बनाना है। ये देखिए आपको पास से दिखा रही हूँ, ये जो मेरा ऊपर वाला एक सेट तैयार हो गया है। ये देखिए, है ना, देख पा रहे हैं आप, ये साइड वाला मोती और ये रहा मेरा पहला मोती। तो इसमें तीन मोती और डालने हैं तो हमारा चार का सेट तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें एक इस तरफ दोनों साइड हमें तीन तीन का सेट, सॉरी चार चार के सेट बनाने हैं। तो ये मैंने एक और बना लिया है इसके ऊपर, अब एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, टोटल तीन सेट बनाने हैं चार चार के। ये देखिए एक मैंने यहाँ बना लिया, अब मैं एक मेरी सुई इस तरफ निकली हुई, तो मैं पहले ये वाला बना लेती हूँ लेफ्ट साइड का, फिर सुई को घुमाते हुए। ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है ना। ये देखिए, तो अब यहाँ से जैसे ये तीनों बन गए तो एक एक और बनाकर, देखिए जो मेरा तीसरा जो सेट था मैंने उस पर एक और मोती तीन मोती लगाकर चार का सेट बनाया। ये देखिए ये तीन, ये मेरा ये तीसरा वाला, और इसके ऊपर मैंने तीन चार का सेट बनाया है, फिर क्योंकि हमें एक और बढ़ाना था चार का सेट, तो मैंने कॉर्नर वाले मोती में एक और बनाया है ना। तो इस तरीके से हमारे एक दो तीन चार पाँच, पाँच का सेट ऊपर बनेगा। तो पहले हमारा हुआ एक चार का सेट, फिर तीन, और फिर ये हमारा पाँच बनेगा। ये देखिए अब यहाँ तो हमने तीन तीन से शुरू किए थे, लेकिन अगर हम इसके बाद शुरू करेंगे तो दो मोती और लेकर चार का सेट तैयार हो जाएगा। देखिए आपको दिखाती हूँ किस तरह, देखिए ये हमारा चार का हो गया है ना, क्योंकि इसमें हमें एक दो मोती ऑलरेडी मिल गए थे, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो सुई को घुमाते हुए तीनों मोतियों में से घुमा लूँगी। अब यहाँ फिर हमें देखिए दो मोती कॉर्नर में मिल जाते हैं, तो अगेन हमें दो मोती डालने हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप ये, तो अब इस तरीके से एक अपना और थोड़ा बढ़ जाएगा। ये देखिए तीसरा जो हमारा लास्ट वाला है, तो एक ये और ये इस तरफ लास्ट में, तो इस तरीके से पांच का सेट मिल जाएगा। ये देखिए आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं आप, है ना, काउंटिंग करें तो पांच आ रहा है। तो पहले तीन के बाद हमारे पांच, मतलब एक एक दोनों साइड से बढ़ते जाएंगे, है ना। और इसी तरीके से एक और लाइन बनानी है हमें, देखिए मैंने बना ली है। ये देखिए एक तीन पाँच और फिर अगेन पाँच, है ना। अब इसके हमें जो साइड वाले दो मोती हैं इस पर तीन चार चार के सेट बनाने हैं, दो बीच वाले पे नहीं बनाने हैं, समझ गए। ये देखिए तो दो मैंने इस तरफ बना लिए हैं, बीच का छोड़ दिया है, दो इस तरफ बना लिए हैं। ऊपर वाले पांच थे तो दो दो बन गए चार, और एक हमारा छूट गया। तो बस इतना ही, एक मतलब जो हमारा पल्लर है एक तरफ का हमने पार्ट बना लिया है। और इसी तरीके से हमें एक और पार्ट बना लेंगे, है ना, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप यहाँ पे साइड पे और बनाना चाहें तो एक एक सेट बना सकते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा था तो मैंने निकाल दिया, मुझे इतना ही अच्छा लग रहा था। मैं आपको, देखिए मैंने ये दोनों पल्लर बना लिए इसके, मतलब दोनों पार्ट बना लिए। अब है इसको हमको, मतलब इसे हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका जो है वो एक एक मोती दोनों साइड से, मतलब डालते हुए जो साइड के मोती हैं उसको करना है। और किसी भी तरीके से आप मतलब जोड़ सकते हैं, सॉरी
किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं, साइड से। बीच में थोड़ा सी जगह हमें बचानी है क्योंकि हमें वहाँ पे मतलब भरना है, फिलिंग वगैरह करनी है कुछ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हमारे ये साइड वाला एक मोती तार मेरा मतलब वहाँ पर निकला हुआ है, ये देखिए क्लियर दिख रहा है। तो मैंने इसमें अब एक मोती डालूंगी। मैंने इसमें एक मोती डाल लिया है। अब जो एक पार्ट का, जो सॉरी दूसरे पार्ट का जो मोती है सेम जगह का, हमें उसमें से भी सुई घुमानी है और अगेन हम एक मोती डालकर जो पहला है पार्ट उसमें से निकालेंगे। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ भी चार का सेट बन जाएगा एक, है ना। दो तो ऑलरेडी पार्ट में लगे हुए हैं, तो एक ऊपर डालना है एक नीचे डालना है। इस तरीके से हमारे चार का सेट हो जाएगा। और इसी तरीके से एक एक मोती डालते हुए चार का सेट बनाते हुए दोनों पार्ट को हमें जोड़ना है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप? देखिए उसको बस थोड़ा हल्का सा टाइट करते जाए ठीक से। हाँ, हो रहा है। ये देखिए अब दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, है ना। बस ये हमारा एक का सेट हो गया है। अब हमें इस तरीके से तीनों साइड से इसको हम जोड़ लेंगे और बीच में जगह थोड़ी सी बस रहने देंगे, वह हम लास्ट में जोड़ेंगे। ये देखिए, तो इसको जल्दी से भरकर मतलब तुरंत पूरा कंप्लीट करते हैं, है ना। बस एक एक मोती डालकर इसको हमें जोड़ना है। ये देखिए, तो इस तरीके से हो गया। बीच में जो मैंने जगह खाली रखी है ना, ये देखिए, यहाँ से मैं पॉलीथीन लूँगी प्लास्टिक की, उसको हम इसमें भर देंगे, है ना। तो उंगली से भर लें या पेंसिल से या किसी कैंची से ले लें छोटी वाली, बस सभी जगह अच्छे से भर दें। और जो बीच का जगह है उस वहाँ भी हम उसको सिल देंगे। ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हुआ। और जो अगर कॉर्नर की मोती, अगर आपको ये देखिए मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा खाली खाली लग रहा, तो मैंने यहाँ भी एक एक मोती ऊपर से लगा दी है। ये बीच वाला जो मोती है ना अंदर की तरफ हमारा गया है बस उसमें। और इसी तरीके से एक दो तीन चार मोती है, तो मैंने चारों में एक एक लगा दिए है ना। आपको मैं फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला जो मोती है ना, ये मुझे इस पे लगाना है, तो ये मैंने मोती डाला। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक मोती लगाना है। ये देखिए इसको बस इस तरीके से फिर से उसी मोती में से मैं निकाल लूँगी और सुई बाकी मोती में साइड से घुमाते हुए जो आगे का हमारा कॉर्नर है वहाँ पर लेकर आकर सेम अगेन उसी तरीके से घुमा लेंगे। ये देखिए ये हो गया, तो मैं इसमें से लगाऊंगी। ये देखिए ये भी हो गया मेरा, इस तरफ हो गया। अब बचा मैं सुई घुमा के नीचे ले आई हूँ, क्योंकि नीचे वाला मैं मोती तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है कॉर्नर, तो उसमें भी एक मोती, सिंगल एक मोती लगाकर फिनिशिंग देकर धागा कट कर लेंगे। और इसको मैंने अभी वैसे तो सिंपल बिल्कुल एक किचन जैसे मतलब लगा दिए, बाकी आप अपनी तरीके से और डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाकर आपको दिखाती हूँ। जो छल्ले तो मार्केट में मिल जाते हैं हमें, तो कुछ गोल्डन मोती मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उसी से बनाकर दिखाऊंगी, है ना। आप चाहे तो उसे और डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ये देखिए कुछ, ये देखिए। तो ये किचन कैसी लग रही है मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए।